हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे ऑपरेशन थिएटर के बारे में, आज उसकी सेकंड क्लास है। उससे पहले आज की थॉट ऑफ द डे है, एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो महापुरुष बन सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपने मन पर काबू कर ले तो वो महापुरुष बन सकता है। मन पर काबू पा लेने वाले व्यक्ति के लिए सफलता पाना तो बेहद ही छोटी चीज है, और जो अपने मन पे काबू कर लेता है उसके लिए सफलता पाना एक छोटी सी चीज है, वो आसानी से सक्सेस हो जाता है। तो अपने मन पर काबू रखना सीखो, और मन पे काबू रखोगे तो एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। तो हम आगे पढ़ रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेशन कैसे कैसे होते हैं, ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सर्जरी कैसे कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, तो उसके आगे से है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ऑफ सर्जरी। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ऑफ सर्जरी। फील्ड ऑफ सर्जरी तो पहला है ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसमें पहला है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या होती है, ऑर्थो से है बोन से रिलेटेड, यानी जिसके अंदर बोन की सर्जरी आती है, जॉइंट रिलेटेड सर्जरी आती है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर आते हैं। ऐसी सर्जरियां जो बोन से रिलेटेड हो वो सर्जरियां सब किस में आती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर आती है, तो वो ऑर्थोपेडिक में। बाद में है नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है ओकुलर सर्जरी, जो आई से रिलेटेड सर्जरियां हैं, जो आई वाली सर्जरियां होती है वो ओकुलर सर्जरी में आती है। जैसे आई से रिलेटेड कैटरक्ट की सर्जरी हो गई या फिर और लेंस की कोई सर्जरी है तो वो इसमें आती है, ओकुलर सर्जरी के अंदर आती है। न्यूरो सर्जरी, जो नर्व से रिलेटेड हो, जो सर्जरी रिलेटेड टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ऐसी सर्जरियां जो किससे रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो या फिर हो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो, तो ऐसी सर्जरियां जो ब्रेन से रिलेटेड हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो। ऐसी सर्जरियां जो या तो ब्रेन से रिलेटेड हो या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो। एक ये तो हो गए थर्ड नंबर, न्यूरो सर्जरी, जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से समझे तो, यानी कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है तो उसकी जो सर्जरी की जाती है वो इसके अंदर आती है। स्पाइनल कॉर्ड की जो सर्जरी की जाती है वो इसके अंदर आती है। और ब्रेन में कोई इंजरी वगैरह हो गई है, ब्रेन की कोई सर्जरी करनी है तो वो भी इसके अंदर आती है। उसके बाद में है चार नंबर, कार्डियक सर्जरी, हार्ट से रिलेटेड जो भी सर्जरियां की जाती है, सर्जरी रिलेटेड टू द हार्ट एंड रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, या फिर ब्लड वेसल से रिलेटेड हो या फिर हार्ट से रिलेटेड हो, या तो हार्ट से रिलेटेड हो या ब्लड वेसल से रिलेटेड हो, तो ऐसी सर्जरियां क्या कहलाती है, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी कहलाती है। ऐसी सर्जरियां कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी कहलाती है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्जरी ऑन्कोलॉजी, नेक्स्ट है पांच नंबर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो ऐसी सर्जरियां जो कैंसर से रिलेटेड हो, जो कैंसर के लिए सर्जरी की जाती है, कैंसर सेल बनने के बाद में जो सर्जरी की जाती है, कैंसर सेल को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो ऑन्कोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कैंसर रिलेटेड सर्जरियां की जाती है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर आती है। तो ये था क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, सर्जरी के आधार पे, कौन सी सर्जरी की जा रही है, कहाँ की सर्जरी की जा रही है, उसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन है, मतलब विशेषता के आधार पे
ठीक है, शाखा के आधार पे या सर्जन के क्षेत्र के आधार पे। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जिसमें बोन और जॉइंट की सर्जरी की जाती है वो ऑर्थोपेडिक के अंदर आते हैं। ओकुलर जो आई से रिलेटेड सर्जरियां की जाती है, न्यूरो के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सर्जरियां की जाती है, कार्डियक के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड सर्जरियां की जाती है, और ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर से रिलेटेड सर्जरियां की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो सर्जरी ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच द सर्जरी इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। ये सर्जरी जो है वो तीन भागों में बांटी गई है बेसिस के आधार पे। तो सबसे पहले है ओपन सर्जरी। सबसे पहले कौन सी है? ओपन सर्जरी। सबसे पहली है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप। ये सबसे पुरानी विधि है। ओपन सर्जरी कौन सी है? सबसे पुरानी विधि है, ओल्डेस्ट टाइप, सबसे ओल्ड टाइप की है। इन दिस टाइप द सर्जरी विद हेल्प ऑफ ए लार्ज इंसिजन। एक क्या करते हैं? लार्ज इंसिजन लगाते हैं, मतलब एक बड़ा सा कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं इसके अंदर, बड़ा सा चीरा लगाते हैं, लार्ज इंसिजन। ठीक है, लार्ज इंसिजन, एक बड़ा सा चीरा लगाते हैं। द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑब्जर्व एंड ट्रीटेड। इसके अंदर क्या करते हैं? इंटरनल पार्ट है, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट है, अंदर के जो पार्ट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एक बड़ा सा चीरा लगाते हैं और शरीर के जो इंटरनल पार्ट है उसका किया जाता है, इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑब्जर्व करके इसका ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल ओपन हार्ट सर्जरी, इसका एग्जाम्पल हो गया ओपन हार्ट सर्जरी। यानी इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? जो चेस्ट पे एक बड़ा सा कट लगा के हार्ट को ऑब्जर्व करके फिर उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। वहां पे सर्जरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपन सर्जरी। यानी पूरे चेस्ट को ओपन करके फिर चीरा लगा के फिर उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन करके कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। तो वो ओपन सर्जरी के अंदर आता है। ये सबसे पुरानी विधि है, ओल्डेस्ट विधि है। उसके बाद में है की होल सर्जरी। की होल सर्जरी दूसरा नंबर है, की होल सर्जरी सेकंड नंबर, की होल सर्जरी। दिस इज ए न्यू टेक्निक। ये वाली कौन सी है? वो तो पुरानी थी, लेकिन ये लेटेस्ट अभी न्यू टेक्निक है। इन विच द लेप्रोस्कोप, एक लेप्रोस्कोप होता है कैमरे की तरह, वो अंदर डाला जाता है छोटा सा छेद करके, यानी की होल। इसमें इतनी बड़ा पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा बड़ा चीरा लगा के उस ऑर्गन को पूरी तरह से देखने की जरूरत नहीं है। इसमें छोटा सा की होल करके और लेप्रोस्कोप के द्वारा अंदर जाके फिर उसे ट्रीट किया जा सकता है। तो लेप्रोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी थ्रू स्मॉल होल। देखो, एक छोटा सा होल के द्वारा लेप्रोस्कोप को क्या बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है। उसके बाद में सर्जरी इज परफॉर्म ऑन द इनसाइड, इट आल्सो कॉल्ड इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, और लेप्रोस्कोप को अंदर डाल के इसमें सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है? इनसाइड द लेप्रोस्कोप डाल के छोटा सा होल करके उसके अंदर डाल देते हैं, और इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में है माइक्रो सर्जरी, तीसरा है माइक्रो सर्जरी, थर्ड नंबर। इन दिस सर्जरी द सर्जन परफॉर्म सर्जरी। इसके अंदर क्या करते हैं? सर्जन परफॉर्म सर्जरी, मतलब सर्जन जो है वो परफॉर्म करता है सर्जरी बाई मैग्निफाइंग द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है, इसको सर्जन के द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा इस सर्जरी को किया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जाम्पल वेसेक्टोमी,
रिवर्सल, और जैसे ये माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा ये सर्जरियां की जाती है विथ हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसकी हेल्प के द्वारा ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरियां की जाती है। अब कौन सी सर्जरी हो सकती है, तो इसका एग्जांपल है वेसेक्टोमी रिवर्सल। वेसेक्टोमी की जो सर्जरी की जाती है वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर आती है। उसके बाद में रीअटैचिंग ए फिंगर्स, इसकी भी सर्जरी माइक्रोस्कोपिक के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ सर्जरी हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, और की होल वाले के अंदर लेप्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप की कुछ सर्जरियां हैं, तीन टाइप की होती है ये। उसके बाद में स्टेज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की जो स्टेज है वो कितनी होती है, तो इसके अंदर आता है स्टेज ऑफ ऑपरेशन। तो एनी सर्जरी ऑपरेशन फ्रॉम फोर स्टेज, इसके अंदर कोई भी सर्जरी के अंदर जो है ऑपरेशन की जो स्टेज होती है वो चार स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, चार स्टेज होती है ऑपरेशन की, चार स्टेज होती है ऑपरेशन की, चार स्टेज होती है, ठीक है। तो पहली स्टेज है प्री ऑपरेटिव स्टेज। इसके अंदर ये वो स्टेज है जहां जो ऑपरेशन से पहले की स्टेज है, ऑपरेशन से पहले की स्टेज है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्री ऑपरेटिव स्टेज यानी ऑपरेशन से पहले की स्टेज। इसके अंदर ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, मतलब पेशेंट को एनवीएम रखा जाता है, पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड करनी है, या पेशेंट को या कुछ मेडिसिन ऐड करनी है या फिर वो बंद करनी है, तो वो उस प्री ऑपरेटिव के अंदर आता है। तो एनबीएम का मतलब है कि उसे माउथ से कुछ नहीं देना है, नील पर माउथ एनबीएम। उसे माउथ से कुछ नहीं देना है, मतलब खाने के लिए 6 घंटे या 12 घंटे एनबीएम रखना पड़ता है। अलग अलग टाइप की सर्जरी में अलग अलग प्री ऑपरेटिव स्टेज, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ जो है सूचनाएं होती है जो मतलब प्री ऑपरेटिव में और आता है कि वो कंसेंट लेना वगैरह, डॉक्टर को अच्छे से वाइटल साइन चेक करना, ऑपरेशन के लिए पेशेंट को रेडी करना, ये सब प्री ऑपरेटिव स्टेज के अंदर आते हैं। उसके बाद में है सेकेंड स्टेज है जो है एनेस्थीसिया स्टेज। इसके अंदर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसके अंदर पेशेंट को क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है, सुन किया जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेज है सर्जिकल स्टेज। इस स्टेज के अंदर पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, इस स्टेज के अंदर पेशेंट की सर्जरी की जाती है, और पोस्ट ऑपरेटिव बोल सकते हैं। लास्ट वाली जो स्टेज होती है इसको रिकवरी स्टेज बोलते हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज भी बोल सकते हैं, और इसको रिकवरी स्टेज भी बोल सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज या रिकवरी स्टेज भी बोल सकते हैं। यानी ये ऑपरेशन की बाद की स्टेज, ये है ऑपरेशन के बाद की स्टेज या पोस्ट स्टेज। जो प्री स्टेज थी ये पोस्ट स्टेज हो सकती है, इसको पोस्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। तो चार स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है प्री ऑपरेटिव स्टेज, जिसमें ऑपरेशन से पहले जो तैयारी की जाती है वो प्री ऑपरेटिव स्टेज में आते हैं। उसके बाद में सेकंड है एनेस्थेटिक स्टेज, जिसके अंदर पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है, वो स्टेज होती है। तो तीसरी है सर्जरी स्टेज, इसके अंदर जो है सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, वो सर्जरी स्टेज में आता है। और चौथी है रिकवरी स्टेज या पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर पेशेंट की वापस रिकवरी होती है, वापस ऑपरेशन होने के बाद में इसमें पेशेंट की रिकवरी होती है, तो वो आता है इसके अंदर। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओटी, ओटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। ओटी का संगठन,
और ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में संगठन बोल सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स इज ए सेट ऑफ ए डिफरेंट एरिया लाइक ड्रेसिंग रूम, स्क्रब सूट और प्रिपरेशन रूम, ऑपरेशन थिएटर ETC। तो ऑपरेशन जो थिएटर होता है, ऑपरेशन जो थिएटर होता है कॉम्प्लेक्स इज ए सेट ऑफ डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में सेट किए जाते हैं, डिफरेंट एरिया में, एक विभिन्न क्षेत्र या समूह में इसका इसको सेट किया जाता है। जैसे ड्रेसिंग रूम हो सकता है, इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ड्रेसिंग रूम होता है, स्क्रब रूम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ड्रेसिंग रूम हो सकता है, स्क्रब रूम सूट हो सकता है और प्रिपरेशन रूम हो सकता है। कैसे प्रिपरेशन की जाती है, ऑपरेशन थिएटर अलग होता है। तो ये कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में इसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑपरेशन थिएटर डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, तो एफिशिएंसी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले है फिजिकल फैसिलिटी और सेटअप, सेटअप पे डिपेंड करती है। सबसे पहले क्या, दो फैसिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी, इसका सेटअप है वो प्रॉपर होना चाहिए OT का, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल, व्यक्तियों का संगठन होना चाहिए, व्यक्तियों का संगठन होना चाहिए, और जो फिजिकल सेटअप है वो होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए। आप क्या क्या भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल सेटअप ऑफ OT, फिजिकल सेटअप ऑफ OT, OT में क्या क्या फिजिकल सेटअप होना चाहिए। द फिजिकल सेटअप ऑफ OT इज अरेंज इन सच ए वे दैट इट कीप द क्लीन एरिया इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया। ऐसा OT का जो एरिया है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और इन्फेक्टेड फ्री होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए ऐसा एरिया, ठीक है। तो फिजिकल सेटअप इज OT अरेंज इन सच ए वे दैट इट कीप क्लीन एरिया कम्प्लीटली, कम्प्लीटली कैसा होना चाहिए, क्लीन एरिया होना चाहिए, और सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया, और जो इन्फेक्टेड एरिया है उससे अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। द डिजाइन एंड मेप ऑफ द ऑपरेशन रूम, जो ऑपरेशन रूम है उसकी जो डिजाइन है इज प्रिपेयर इन सच ए वे दैट इज ए इजी टू मूवमेंट ऑफ द पेशेंट एंटरिंग एंड द वर्किंग स्टाफ। और जो ऑपरेशन सेटअप है वो सेटअप कैसा होना चाहिए, वो सेटअप एकदम इजीली होना चाहिए कि वहाँ पे पेशेंट को आसानी से ले जाया जा सके, और स्टाफ जो है पेशेंट को आसानी से ले जाया जा सके, और जो वर्किंग स्टाफ है जैसे नर्स डॉक्टर वगैरह जो वर्किंग स्टाफ है ऑपरेशन थिएटर में काम करते वो भी आसानी से आ जा सके। तो ऐसा सेटअप और ऐसी डिजाइन होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर की, ठीक है, ये ऐसी डिजाइन होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट्स है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है द डिजाइन ऑफ द ऑपरेशन रूम शुड बी सिंपल सो दैट इट इज इजीली टू क्लीन। ऐसे जो ऑपरेशन थिएटर की जो डिजाइन है वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जिसे क्या है आसानी से साफ करने में आसानी हो सके, है ना। तो जो ऑपरेशन थिएटर है उसकी जो डिजाइन वगैरह है जिसका स्ट्रक्चर है सिंपल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिंपल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, ठीक है, साधारण होना चाहिए, जिससे क्या इजी क्लीनिंग हो सके, साफ सफाई जो है वो आसानी से हो सके, इजी क्लीनिंग हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट है द वॉल एंड फ्लोर ऑफ द OT शुड बी मेड स्मूथ एंड नॉन पोर्सियस मटेरियल। मतलब कोई भी दीवार में छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, पोर्सियस मतलब छेद नहीं होना चाहिए। जो वॉल है, दीवार और फ्लोर छत है वो शुड बी मेड ऑफ द स्मूथ होनी चाहिए और नॉन पोर्सियस होनी चाहिए, नॉन
पोर्शियस होनी चाहिए, नॉन पोर्शियस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। जो अछिद्रित पदार्थ है उससे निर्मित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ओटी मस्ट हैव क्लीन डिवीजन ऑफ जोन, ओटी के अंदर क्या है, क्लीन डिवीजन जोन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है क्षेत्र स्पष्ट विभाजित होना चाहिए, सेपरेट रूम फॉर क्लीन, क्लीन के लिए सेपरेट रूम, और स्टराइल और सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट उनके लिए सेपरेट, टू प्रिंट क्रॉस कंटामिनेट, मतलब क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्रॉस कंटामिनेशन इसके लिए क्या होना चाहिए, मस्ट बी हैव क्लीन डिवीजन जोन, क्लीन डिवीजन जोन होना चाहिए, साफ सफाई का एक जोन होना चाहिए जहां इंस्ट्रूमेंट वगैरह को क्लीन किया जाता है, तो वहां क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए। उसके बाद में ओटी शुड हैव इनफ स्पेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट, ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर इनफ यानी जो है प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए टू सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए जो है इनफ स्पेस होना चाहिए, ठीक है। सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उसके बाद में द रिकवरी रूम शुड बी लोकेटेड एडजेसेंट टू द ऑपरेशन रूम सो दैट इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट कैन बी इजीली शिफ्ट द ऑपरेशन थिएटर। तो क्या रिकवरी रूम कैसा होना चाहिए, लोकेटेड टू ऑपरेशन रूम, और जो रिकवरी रूम है वो ऑपरेशन थिएटर के नजदीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑपरेशन जो रूम है उसके नजदीक होना चाहिए, क्योंकि जो आफ्टर द ऑपरेशन, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट इजीली शिफ्ट कर सके, उसके अंदर पेशेंट को इजीली शिफ्ट कर सके, वो ऑपरेशन थिएटर के नजदीक होना चाहिए, जो रिकवरी रूम होता है, जो पोस्ट ऑपरेटिव रूम होता है वो ऑपरेशन थिएटर के नजदीक होना चाहिए, जहां पे क्या सर्जरी करने के बाद में पेशेंट को जल्दी से जल्दी वहां पे शिफ्ट करके उसकी अच्छे से रिकवरी की जा सके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इट्स फ्लोर एरिया इज मिनिमम 50 to 60 meters, जो फ्लोर एरिया है ओटी का, जो फ्लोर एरिया है कम से कम 50 to 60 meters का होना चाहिए। इट वेल लिट एंड एयर कंडीशन, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, वेल लाइट, ये लाइट है, उसके अंदर जो लाइट वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और उसका जो एयर कंडीशन है, जो वायु हवा वगैरह है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, एयर कंडीशन वगैरह होना चाहिए उसके अंदर, जो एरिया है ओटी का वो कम से कम 50 to 60 meters, जो फ्लोर एरिया है वो कम से कम 50 to 60 meters का होना चाहिए, और उसके अंदर जो लाइट वगैरह है वो अच्छी सी होनी चाहिए, उसके अंदर जो है लाइट अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में एयर कंडीशन सही होना चाहिए, एयर कंडीशन सही होना चाहिए। देयर इज एब्सेंस ऑफ विंडो इन दिस कॉम्प्लेक्स, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर विंडो नहीं होती है, खिड़की नहीं होती है, विंडो मतलब खिड़की, ठीक है, विंडो मतलब होता है खिड़की, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है वो खिड़की का अभाव होना चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर खिड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ओटी कॉम्प्लेक्स विज आर्किटेक्टली सेपरेट फ्रॉम अदर वार्ड्स एंड आईसीयू, जो ओटी का जो निर्माण है वो सेपरेट होना चाहिए वार्ड से और आईसीयू से, आईसीयू से और वार्ड से ओटी का जो निर्माण है वो कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ और इट इज नॉर्मल द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन 30 to 60%,
जो ह्यूमिडिटी है, ओटी की जो ह्यूमिडिटी है वो 30 से 60% की होनी चाहिए, ठीक है, 30 से 60% होनी चाहिए। जो ह्यूमिडिटी है, जो ओटी की जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ओटी का तापमान सामान्य, और जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, वो कितनी होनी चाहिए, 30 to 60% होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, द वॉल आर कंप्लीटली कवर विथ टाइल्स, और जो ओटी की जो दीवारें होती है ना, जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो कवर होनी चाहिए टाइल से, अब विथ सीलिंग्स एंड अदर, द फ्लोर इज विदाउट एनी गैप, और फ्लोर के अंदर भी क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, बीच के अंदर गैप नहीं होना चाहिए, टाइल से कवर होनी चाहिए और फ्लोर में गैप नहीं होना चाहिए। दे कैन बी इजीली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, क्योंकि उसे अगर गैप वगैरह होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होने के ज़्यादा चांस रहता है, तो उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है, उसे डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, उसे इन्फेक्शन फ्री किया जा सकता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, द मेन रूम इंक्लूडिंग द ओटी यूनिट आर इज फॉलोइंग, इसे ओटी के अंदर कौन कौन से रूम होते हैं, मेन रूम कौन कौन से होते हैं, तो पहला है इसके अंदर, पहला है चेंजिंग रूम, पहला कौन सा होता है, चेंजिंग रूम, तो पहला है चेंजिंग रूम। तो ओटी स्टाफ इज प्रोवाइड विद द फैसिलिटी टू चेंजिंग देयर क्लोथ्स, चेंजिंग रूम के अंदर ओटी स्टाफ होते हैं जो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, शूज वगैरह पहन सकते हैं, वो एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक चेंजिंग रूम होना चाहिए। तो ओटी स्टाफ प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी टू चेंज देयर क्लोथ्स, करा ना, कपड़े चेंज कर सके, एंड शूज, ठीक है, इन दिस रूम बिफोर एंटरिंग द ऑपरेशन थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले पहले उन्हें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, शूज वगैरह सब चेंज करने पड़ते हैं। फॉर ऑल पर्सन वर्किंग इन यूनिट, और सभी पर्सन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें क्लोथ और शूज वगैरह सब कुछ चेंज करने के लिए एक चेंजिंग रूम होना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड है ऑफिस रूम, वहाँ पे एक ऑफिस रूम होना चाहिए, टू ऑफिस रूम देयर लोकेटेड इन यूनिट, दो ऑफिस रूम होते हैं इसके अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर दो ऑफिस रूम होते हैं। पहला रूम होता है सर्जन रूम, जहाँ पे डॉक्टर बैठे रहते हैं, डॉक्टर सर्जन बैठे रहते हैं, ठीक है, तो पहला रूम हो गया सर्जन रूम। दूसरा हो गया सिस्टर इंचार्ज ऑफिस, इसके अंदर जो सीनियर सिस्टर है, नर्सिंग स्टाफ वगैरह रहते हैं, वो इसके अंदर नर्सिंग स्टाफ की जो इंचार्ज होती है उसका रूम होता है, जो नर्सिंग स्टाफ को अरेंज कर सके, ओटी स्टाफ वगैरह को अरेंज करने के लिए, इसमें डॉक्टर रहते हैं, और उसके बाद में सिस्टर इन इंचार्ज ऑफिस, इसका एक ऑफिस होना चाहिए, ये दो ऑफिस होने चाहिए। उसके बाद में स्क्रबिंग रूम, स्क्रबिंग रूम, इन दिस पार्ट द स्क्रबिंग इज डन बिफोर द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से पहले जो हाथ धोने की जो प्रक्रिया होती है स्क्रबिंग करना, वो रूम भी होना चाहिए जहां पे स्क्रबिंग वगैरह की जा सके, जहां पे स्क्रबिंग वगैरह की जा सके, अच्छी तरह से हाथ साफ किया जा सके, अच्छी तरह से हाथ साफ किया जा सके, अच्छी तरह से हाथ साफ किया जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट है, एनेस्थेटिक रूम, एनेस्थेटिक रूम, इन सम ओटी यूनिट्स सेपरेट रूम फॉर प्रोवाइडिंग एनेस्थीसिया, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इन सम ओटी यूनिट्स सेपरेट रूम फॉर प्रोवाइडिंग एनेस्थीसिया, कुछ ओटी जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहां पे एनेस्थीसिया रूम क्या होता है, सेपरेट होता है, जहां पे एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है वो वाला रूम अलग होता है।
एनेस्थीसिया रूम आर मेड फॉर फ्रॉम इट दिस रूम आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द थिएटर। और ये रूम जो है वो ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पांच नंबर यूटिलिटी रूम सिंक रूम। इन दिस रूम द इंस्ट्रूमेंट और बावल्स मैकिंटोस एंड अदर इक्विपमेंट आर कीप आफ्टर द क्लीनिंग। ऐसा रूम रहता है सिंक रूम वगैरह जहाँ पे क्या है ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन होने के बाद में जो इंस्ट्रूमेंट है बॉल वगैरह मैकिंटोस वगैरह है उनको साफ करने के लिए जो है एक रूम रहता है। उसके बाद में रहता है स्टोव रूम जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लिनन वगैरह वो उनका स्टोव किया जाता है। इन द स्टोव रूम द लिनन ईटीसी कीप इन द बंडल्स एंड पैकिंग ड्रम्स वगैरह। यहाँ पे ड्रम्स वगैरह और जो लिनन वगैरह है उसका स्टोक किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सरे रूम। एक्सरे रूम भी ऑपरेशन थिएटर के अटैच रहता है। एक्सरे फैसिलिटीज की जहाँ पे पेशेंट का एक्सरे वगैरह किया जाता है तो एक्सरे फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड देयर विद द लार्ज एंड स्पेशली ओटी यूनिट। ओटी के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो भी एक रूम रहता है। टू मोबाइल एक्सरे प्लांट इज सेट अप इन दिस रूम। जो एक्सरे मशीन है जैसे सिया मशीन वगैरह उसको एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से ले जाया जा सकता है। उसके बाद में होता है लॉन्ड्री फैसिलिटी जहाँ पे जो कपड़े वगैरह गंदे हो गए हैं तो वहीं पे उनको क्लीन किया जा सके। तो हिज एडवांटेज टू प्रोवाइड लॉन्ड्री फैसिलिटी इन ऑपरेशन यूनिट। उसके बाद में है ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम जहाँ पे सर्जरी की जाती है। मल्टी ऑपरेटिंग रूम आर लोकेटेड इन द सेम ओटी। और एक ही ओटी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग रूम हो सकते हैं जैसे ऑर्थो का ऑपरेटिंग रूम अलग है, आई का अलग है, या फिर जो गायनिक प्रॉब्लम है उनके लिए अलग है, तो ऐसे हो सकते हैं। मल्टी ऑपरेटिंग रूम इन दिस ओटी यूनिट द एडिशन टू जनरल सर्जरी रूम्स देर आर द सेपरेट देर आर द स्पेशल थिएटर फॉर द स्पेशल सर्जरी फॉर एग्जाम्पल न्यूरो सर्जरी। यानी अगर कोई ब्रेन और नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सर्जरी की जा सकती है तो वो इस रूम के अंदर की जा सकती है। तो ये न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अलग हो गया। ईएनटी डिपार्टमेंट जिसके अंदर ईयर नोज एंड थ्रोट के ऑपरेशन किए जाते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। गायनोलॉजिक डिपार्टमेंट जहाँ पे लेबर वगैरह एलिसिस वगैरह का ऑपरेशन किया जा सके। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जहाँ पे बोन से रिलेटेड सर्जरियाँ की जाती है तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो ये कुछ फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड होती है जहाँ पे सिर्फ औरतों की सर्जरियाँ की जाती है वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जाती है तो वो अलग रूम होता है। और गायनिक सर्जरियाँ की जाती है वो अलग रूम होता है। ईएनटी सर्जरियों के लिए अलग है सेपरेट व्यवस्था है। तो ऐसे कुछ भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।